फोटोशॉप के इस वीडियो सेशन में हम आगे के टूल्स को लेकर बात करेंगे, जिनमें से आज जिस टूल को लेकर हम स्टडी करने जा रहे हैं उस टूल का नाम है मैजिक बैंड टूल। ये जिसका शॉर्टकट की होता है W। तो या तो आपको मैजिक बैंड टूल लेने के लिए W प्रेस करें या टूल का सिलेक्शन करें, तो ये जो आपको एक टूल का सिंबल दिखाई देगा ये है मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल भी पिछले ट्यूटोरियल में जो हमने देखा था कि सिलेक्शन टूल थे, लेसर टूल, पॉलीग्लन लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल की तरह ही मैजिक बैंड टूल भी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके काम करने का तरीका कुछ यूं है कि ये एक ही कलर के पिक्सल, मतलब एक जैसे कलर वाले पिक्सल को ही सिलेक्ट करता है। जैसे अगर मैं यहां मिकी के येलो कलर पे क्लिक करता हूं, तो जहां जहां पर कंटिन्यूअसली येलो कलर होगा वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहां क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट हुआ, अगर मैं रेड पे क्लिक करता हूं तो रेड सिलेक्ट हुआ, अगर मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूं तो ब्लैक पोर्शन सिलेक्ट हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि जब हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे मिकी के मैं चेहरे के ऊपर उसके कानों पे क्लिक करता हूं, ये मैंने क्लिक करा, तो यहां पर सिलेक्ट हुआ लेकिन थोड़ा एरिया ऐसा है जिसमें कुछ टेक्सचर है, यानी थोड़ा सा लाइट ब्लैक ग्रे कलर में कुछ एरिया वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि मैजिक बैंड टूल सेम कलर वाले पिक्सल्स को ही सिलेक्ट करता है। यदि आप चाहते हो कि ये ज्यादा एरिया सिलेक्ट करे, तो उसके लिए जैसे आप मैजिक बैंड टूल लेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आपको मिलेगा टॉलरेंस के नाम से, टॉलरेंस आप बढ़ा देंगे। अभी बाय डिफॉल्ट 32 है, मैं इसको कर देता हूं 50। अब मैंने क्लिक करा तो देखो थोड़ा ज्यादा एरिया कवर हुआ लेकिन अभी भी कान का थोड़ा पोर्शन रहा हुआ है। मैं इसको बढ़ा के और कर देता हूं 65, सिलेक्ट हुआ ऑलमोस्ट पर अभी भी थोड़ा रहा हुआ है, मैं इसको करता हूं 70, अभी हो गया सिलेक्ट कंप्लीट, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं 75। अभी इस पे करा क्लिक तो परफेक्टली इसने पूरा सिलेक्ट करा, कॉपी पेस्ट। तो ये मैंने, मुझे बिल्कुल क्लियरली सिलेक्शन इसमें मिलेगा सेम कलर वाले पिक्सल्स का, अलग से मुझे सराउंड में घुमाने की कुछ कटने वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक ऑप्शन यहां पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे मुझे केवल मिकी सिलेक्ट करना है और इसके पीछे का बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो मैजिक पेन टूल लिया, बैकग्राउंड पे क्लिक करा, टॉलरेंस में इसकी वापस बाय डिफॉल्ट 32 कर देता हूं, ये मिकी सिलेक्ट हुआ। अभी जो है ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ है, हमें इसका अपोजिट सिलेक्शन करना है, इनवर्स सिलेक्शन करना है, जिसके लिए सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब ये होता है इनवर्स सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्ट नहीं है वो सिलेक्ट हो जाए और जो सिलेक्ट है वो सिलेक्शन से हट जाए। तो ओवरऑल यहां पे मिकी सिलेक्ट हो गया है, कॉपी पेस्ट, ये निकल आया मिकी। सीधे सीधे हमने इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से इरेज कर दिया। तो सेम कलर वाले पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए, एरिया को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है मैजिक बैंड टूल। जस्ट इसके बाद एक ऑप्शन और है, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल नाम से समझ में आ रहा है जल्द से जल्द सिलेक्ट करने वाला, तो मैं यहां से क्लिक करता जाऊंगा, ये सेम कलर्स को पकड़ के ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता जाएगा, बस मुझे क्लिक दबाए रखना है या छोड़ भी सकते हो आप। ये हो गया सिलेक्ट जल्द से। फिर इसके बाद सिलेक्ट में गए, अगेन इनवर्स,
इनवर्स सिलेक्शन, कॉपी पेस्ट, पीछे वाली लेयर को मैंने हाइड करा, ये मिकी वापस निकल आया। तो सेम कलर के पिक्सल्स पर काम करने के लिए इस्तेमाल होगा मैजिक वैन टूल। अगला टूल है क्रॉप टूल। क्रॉप फीचर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी पिक्चर में से कुछ पोर्शन को क्रॉप करना मतलब काटना। तो ये मैंने सेलेक्ट करा कुछ पोर्शन ड्रैग करके, लगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जितना एरिया आपको क्रॉप करना है वो क्रॉप करो, रोटेट करना है रोटेट करो। मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं यहां पे, और जब आपको लगे कि हाँ ये पोर्शन क्रॉप करना है तो कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस कर दें, पिक्चर का उतना एरिया क्रॉप हो जाएगा। तो किसी पिक्चर्स की में से कुछ पार्ट को क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है क्रॉप टूल। तो ये थे हमारे सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट वन मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रश टूल। ब्रश टूल का इस्तेमाल होता है कुछ पेंट करने के लिए। तो यहां से मैं ब्रश लूंगा, ऊपर फोरग्राउंड में जो भी कलर दिया है वो कलर ले लेंगे, मैं रेड कलर ले लेता हूं। ओके, अभी ब्रश का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, मैं उसका साइज कम करूंगा। तो क्लिक करा, साइज कम कर दिया, अब जो मर्जी चाहो वो आप यहां पे जैसा चाहो वैसा ड्रॉ कर सकते हो। कुछ तो भी, जब आपकी इमेज कुछ बिगड़ जाए गड़बड़ हो जाए, आप चाहते हो कि इमेज पहले जैसी हो जाए, तो फाइल मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है रिवर्ट। रिवर्ट पर क्लिक करते ही यहां से जो भी चेंजेस आपने किए थे, कोई नया एलिमेंट लाए थे या कोई एलिमेंट आपने हटाया था, वो सारा हटके इमेज वैसी हो जाएगी जैसे कि वो शुरुआत में थी, सारे चेंजेस उसमें से हटा दिए जाएंगे। नेक्स्ट अब मैं आपको टूल बताने जा रहा हूं, जिनमें से सबसे पहला है स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल क्या है, पहले मैं इसकी थ्योरी आपको बता देता हूं। इस टूल का प्रयोग इमेज पर स्थित दाग धब्बों को साफ करने के लिए किया जाता है। इस टूल को सेलेक्ट करके माउस पॉइंटर को इमेज के उस स्थान पर क्लिक किया जाता है जहां कोई दाग या धब्बा है, यह टूल उस दाग का रंग अपने आप ही बदल देता है। यानी कि जब हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं या कुछ पुरानी इमेज होती है उसके अंदर कुछ स्क्रैचेस होते हैं या चेहरे पे कुछ निशान होते हैं, उन स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। हालांकि अभी जो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए पिक्चर है वो मिकी माउस की है, ये एक एनिमेटेड पिक्चर है, अब इसके अंदर कोई दाग धब्बा तो हालांकि है नहीं जैसा थ्योरी में पढ़ा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं कि जैसे ये मिकी माउस की एक टेल है, पूंछ है, मैं चाहता हूं ये गायब करना। तो इसको गायब करने के लिए मैं यहां से स्पॉट हीलिंग टूल लूंगा और ज्यादा कुछ नहीं, क्लिक करके उसकी टेल पर मैं पूरी तरह से फेर दूंगा। तो ये क्या करता है, अगल बगल के जो पिक्सल्स होंगे उसको ब्लेंड कर देगा, और जो भी दाग या धब्बा था इमेज पे या जो भी पोर्शन के ऊपर आपने ब्रश स्ट्रोक को घुमाया है वो स्ट्रोक गायब कर देगा। तो किसी भी पोर्शन में से कुछ छोटे से पोर्शन, टाइनी पोर्शन को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पॉट हीलिंग टूल। एक हीलिंग टूल और होता है जिसका नाम होता है हीलिंग ब्रश टूल, सेकेंड ऑप्शन। पहले इसकी भी थ्योरी देख लेते हैं। यह एक इंटेलिजेंट टूल है, इसका प्रयोग इमेज को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। यह इमेज को टारगेट पॉइंट की तरह रिपेयर करता है। रिपेयर मतलब कोई पोर्शन इमेज का खराब हो, उस खराब पोर्शन पर दूसरे पोर्शन को लाना के लिए इस्तेमाल किया जाता है हीलिंग ब्रश टूल का।
यानी कि इसी मिकी माउस का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं चाहता हूं जैसे ये जो मिकी माउस का दो कान है, मुझे एक कान गायब करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वाले कान को अगर मैं गायब करना चाहता हूं मिकी के, तो मैं चाहता हूं यहां पर वही पीछे का बैकग्राउंड आ जाए और लगे नहीं कि यहां पे कोई कान है। तो आपको क्या करना है, जो पोर्शन यहां पर इसके कान की जगह पर चाहिए, कर्सर वहां पर लेकर जाइए। जैसे ये ब्लू कलर मुझे चाहिए, कर्सर मैं अपना लेकर आया ब्लू स्पेस पे। अब कीबोर्ड का अल्टर बटन को प्रेस करिए। अल्टर बटन प्रेस करते ही आपका पॉइंटर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से, उसमें क्रॉस बना हुआ आ जाएगा, सर्कल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो जैसे ही आप अल्टर बटन दबाए रखें और एक बार उस जगह पर क्लिक कर दें, सिर्फ एक बार मैंने क्लिक कर दिया, अब आप अल्टर बटन छोड़ दें। तो जैसे आप अल्टर बटन को रिलीज करेंगे, आपका माउस पॉइंटर नॉर्मल हो जाएगा। अब आप वापस अपने उस जगह पर लेकर आइए और क्लिक करिए। तो ध्यान से देखिए, जहां पर हमने अल्टर बटन के मदद से क्लिक किया था उस जगह पर प्लस बना हुआ आ रहा है, और मैं यहां माउस पॉइंटर से उस पोर्शन पर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, तो उस प्लस वाली जगह पर जो दिखाई दे रहा है वो मेरी इमेज के ऊपर ड्रॉ हो रहा है। हालांकि मैं काफी जल्दबाजी में कर रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए, अलग आप थोड़ा सा ध्यान से फोकस के साथ इसको करेंगे तो जो हम पर्सपेक्टिव चाह रहे हैं कि पूरी तरह से मिकी का कान गायब हो जाए, वो वापस से गायब हो जाएगा। हालांकि मैंने काफी हद तक का पोर्शन गायब कर दिया है। ये हो गया। अब मैंने वापस इमेज को वापस रिवर्ट कर दिया है ताकि मेरी इमेज जो नॉर्मल थी वो मुझे दिखाई दे रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट टूल को लेकर हम बात करेंगे, जिस टूल का नाम है पैच टूल। पैच टूल क्या है, पहले इसकी भी थ्योरी देख लेते हैं। इस टूल का प्रयोग भी इमेज को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। रिपेयर मतलब कैसे, पेच मतलब होता है कहीं पर जोड़ लगाना। जैसे कोई इमेज खराब हो जाती है, कोई पोर्शन खराब हो जाता है, तो उस जगह पर हम लोग पेच लगा देते हैं। वो पेच कपड़ों में भी होता है, गाड़ी के टायरों में भी होता है। तो किसी खराब जगह को रिपेयर करना, उस पर नया पोर्शन उतने जगह पर लगा देना कहलाता है पैच टूल। तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे फिर से ये मिकी का मैं कान गायब करूंगा, तो मैं पैच टूल लेकर मिकी के कान को सिलेक्ट करूंगा, जैसे लेसो टूल से सिलेक्ट कर रहा था, सेम वैसा ही। तो मैं अपने पॉइंटर को वहीं लेकर जाऊंगा जहां से मैंने सिलेक्ट करना शुरू किया था। ये सिलेक्ट हुआ। अब इस पैच टूल के अंदर मैं क्लिक करके उसे बाहर लेकर आऊंगा, तो जो बाहर दिखाई दे रहा एरिया है, दिखाई देने वाला एरिया है, वो उसकी कान की जगह पर आ जाएगा कुछ इस तरह से। हालांकि कई हद तक उसने ब्लैक एरिया को रिमूव कर दिया, बट अभी भी थोड़ा सा कुछ पोर्शन बचा हुआ है। तो यहां पर बाकी के स्पॉट हीलिंग टूल या हीलिंग ब्रश टूल की मदद से उस पोर्शन को आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखिए कि एक ही टूल सारे काम नहीं करेगा, आपको फ्रीक्वेंटली अलग अलग टूल का इस्तेमाल करते जाना है, अलग अलग जरूरत के मुताबिक। तो कभी भी आपको थोड़ा सा पैच टूल की जरूरत पड़ सकती है, ये मैंने दोबारा पैच टूल लिया, इसको रिमूव करा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, फिर से मैं स्पॉट हीलिंग टूल लूंगा उस पोर्शन को रिमूव करने के लिए, कुछ इस तरह से कंटिन्यूअसली हम काम करते जाएंगे और उस पोर्शन को पूरी तरह से रिमूव कर देंगे।
तो किसी भी खराब या पुराने या डिस्टॉर्टेड इमेज को रिपेयर करने के लिए इन तीन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से सबसे पहला है स्पॉच हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। मैं वापस अपने पिक्चर को नॉर्मल करने के लिए फाइल में जाऊंगा और यहां सिलेक्ट करूंगा रिवर्ट। रिवर्ट पर क्लिक करते ही जो इमेज शुरुआत में थी वैसी की वैसी आपको मिल जाएगी। तो आज के सेशन में हमने कवर करा सबसे पहला सिलेक्शन का मैजिक फिन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, दोनों ही ज्यादा एरिया को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और दोनों के ही सिलेक्ट करने का काम है कि ये एक ही पिक्सल्स, एक ही कलर वाले पिक्सल्स पे काम करता है। फिर इसके बाद हमने देखा क्रॉप टूल, यानी किसी इमेज को क्रॉप करने के लिए। फिर किसी इमेज को रिपेयर करने के लिए हमने देखा स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश में डिफरेंस ये है कि हीलिंग ब्रश जो है ये अल्ट्रा बटन की मदद से काम करता है, जबकि स्पॉट हीलिंग टूल को बिना अल्ट्रा बटन की हेल्प के इस्तेमाल किया जा सकता है। और थर्ड पैच टूल। फिर इसके बाद हमने इस्तेमाल करा ब्रश टूल। ब्रश यानी कि कोई भी एरिया को पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्रश टूल। तो ये थे आज के सेशन के कुछ टूल्स। नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी करेंगे आने वाले कुछ टूल्स के बारे में।